एक तरफ राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं, दूसरी तरफ सरकार के ही कर्मी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि बीते 16 सितंबर से राज्य भर के राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल पर है, जिससे अंचल कार्यालय में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। किसी का आवासीय प्रमाण पत्र का काम रुका हुआ है, किसी का आय प्रमाण पत्र लंबित है, किसी के जमीन का म्यूटेशन रुका हुआ है, तो किसी का सुधार कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार चुप बैठी है। कुल मिलाकर कहे तो अंचल कार्यालय में महज खानापूर्ति हो रही है। आइए जाने क्या है इनकी मुख्य मांग। राजस्व निरीक्षकों का बेसिक ग्रेड पे 2400 और 3 साल बाद 2800 सुनिश्चित किया जाए। सीमित परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाए। हल्का इकाई का पुनर्गठन किया जाए। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए। उप निरीक्षकों को लैपटॉप दिया जाए, साथ ही नेट की सुविधा प्रदान की जाए। क्षेत्र भ्रमण हेतु शिक्षकों को दो पहिया वाहन उपलब्ध कराई जाए। इधर सरायकेला खरसावां जिले के 59 राजस्व उप निरीक्षक कर्मचारी भी हड़ताल पर है। जिला समाहरणालय पर जिले के तमाम राजस्व उप निरीक्षक धरने पर बैठे हैं। हड़ताल पर रहने से जिले के सभी अंचल कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर क्या कहना है झारखंड राज्य राजस्व निरीक्षक संघ के जिला मंत्री विनय कुमार सिंह की, आइए जाने। 2019 में हम लोगों से समझौता करके हम लोगों के मांग को अभी तक मानी नहीं, बार बार लटकाए हैं। इसके लिए 14 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया गया, वहां से भी कुछ आश्वासन नहीं मिला, तो राज्य के द्वारा आह्वान किया गया 16-9 से सभी राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, सभी राजस्व उप निरीक्षक। उस आह्वान पर इस जिला के 59 कर्मचारी हड़ताल पे हैं। 3 लोग रिटायर करने वाले हैं, वो लोग नहीं गए हैं, और एक लेडीज हैं, वो मेटर्निटी लीव पे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य मांग है 2400 ग्रेड पे करना, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, सीआई के पद पर अंचल के राजस्व उप निरीक्षकों से भरा जाना, यही मुख्य मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।